हेलो। देखिए, मैंने आज ये बुक मैंने पढ़ी है और इस बुक को पढ़ने में सच में मुझे बहुत ही आनंद आया। साथ ही मैं पूरा जोश से भर गई हूँ कि कैसे मुझे अपने जीवन में सकारात्मकता लेके आनी है और नेगेटिव विचारों को छोड़ना है। सच में ये अपने नाम को प्रूव कर रही है, यानी कि वैक्सीन 50। यानी कि हर 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 चैप्टर में जो इसके अंदर संदेश दिया है, जो मैसेज दिया हुआ है, और मैसेज के साथ साथ में जो एक समझाने का तरीका जो इसके अंदर लिखा हुआ है, वो सच में वैक्सीन का ही रूप में काम कर रहा है। तो क्योंकि ये जो बुक है, ये कोविड-19 के टाइम पे लिखी गई है, और इसमें सच में जो एक तरह से जो एक प्रैक्टिकलिटी है लाइफ में, उसके बारे में ये बताया हुआ है। और इसमें जो कहानियाँ जो हर चैप्टर में दी हुई है, उस स्टोरी से हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। सच में हम आसपास इस तरह का देखते हैं, मतलब जो अनुभव जो है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मुझे पढ़ते पढ़ते लग रहा था कि अरे हाँ, ऐसा तो होता है, हाँ ऐसा तो हम सोच लेते हैं, हाँ सच में ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए, हाँ ये तो है कि भाई हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जिसमें सच में आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रोचक है। देखो, मैं आपको कुछ उदाहरण भी देती हूँ। देखिए, मैंने इसमें एक मार्क किया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि अपने सपनों का खुराक देते रहना चाहिए। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। जो कहानी है वो आप पढ़ना प्लीज़ इसको ज़रूर से, कि एक कॉर्न की और एक वीट की, मतलब दोनों सीड्स की कहानी है। तो एक सीड तो बहुत पॉजिटिव है और एक सीड नेगेटिव है। तो जो सीड पॉजिटिव है, उसने सच में अच्छा किया, उसने जो भी ड्रीम अपना देखा उसको फुलफिल किया। और लेकिन जो दूसरा जो ग्रेन था, वो नेगेटिविटी से भरा हुआ था, तो अल्टीमेटली वो वहीं के वहीं रह गया, वो बढ़ा ही नहीं। तो इसमें जो एंड किया है नवीन जैन सर ने, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है, प्लीज़ वो ज़रूर आप पढ़ना, कि यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो अपने रास्ते को बदल कर देखें। सपने को नहीं, सूरज की धूप पाने के लिए हिलना आपको है, सूरज को नहीं। सच में बहुत अच्छी बात कही है। इसी तरह से ये है, सोच का दायरा बढ़ाएं और तसल्ली से नतीजे पर आएं। वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, बस थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ मैं आपको, कि बहुत अच्छा है। वो ये है कि हमारे मन की सही प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और जीवन में हम अपने माता पिता, अध्यापक और आसपास के लोगों के ज़रिए अपने अनुभव को आगे बढ़ाते हैं, और मजबूत प्रोग्रामिंग वाले लोग जीवन में मिलने वाले अवसरों का उचित उपयोग करने में भी सक्षम हो जाते हैं। यदि इस प्रोग्रामिंग में वायरस आ जाता है तो पूरा सर्किट बिगड़ जाता है और अनावश्यक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, और साथ ही सफलता भी संदिग्ध होने लगती है। सच में हम क्यों हमारे जीवन में वायरस आने दें? हमको बिल्कुल अपने को ऐसे रखना है, खुश रखना है, पॉजिटिव रखना है। और इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि ये बुक आप ज़रूर 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 पढ़ें। थैंक यू सो